हेलो, गुड आफ्टरनून बच्चों। हमने अपने पिछले जो वीडियो है पॉपुलेशन इकोलॉजी, उसके अंदर हमने जीन इकोलॉजी के बारे में पढ़ा। उसमें इकोटाइप्स को हमने पढ़ा। अब हम इकोटाइप्स जो है जीन इकोलॉजी के अंदर हमने देखा था कि हम चार टॉपिक्स को लेकर चलेंगे, इकोटाइप्स, इकेड्स एंड सिनिकोसी स्पीसीज एंड इकोफिन्स। ठीक है, तो हम इकोटाइप्स के बारे में डिटेल में स्टडी कर चुके हैं। अब हम पढ़ते हैं इकेड्स। तो पिछली बार मैंने इकेड्स की जो विशेषताएं वो सब बताई थी। जो जीन इकोलॉजी है ये इवोल्यूशन के हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है पॉपुलेशन इकोलॉजी का। और क्योंकि ये जितनी भी जो नई नई जाति के उद्भव होता है उसमें ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है कि नई जातियों का ओरिजिन ऑफ जो न्यू स्पीसीज है वो इन्हीं से ही होता है, इकेट्स, इकोटाइप्स और इन सब से। और इसका जो हम ये सब जानते हैं कि इकोटाइप्स जो होता है उसके अंदर जेनेटिकली जो चेंजेस आते हैं वो जेनेटिकली फिक्स्ड होते हैं, और इकेट्स के अंदर जेनेटिकली फिक्स्ड नहीं होते। ये आगे हम सारा चेंजेस पढ़ेंगे, पर हम यहाँ ये देखेंगे कि इनकी जो एडेप्टिलिटी एनवायरमेंट में एडेप्टेबिलिटी होती है वो वेल होती है बाकियों से, क्योंकि इस स्पीसीज़ में नए नए चेंजेस आने से ये अपने आप को इस तरह से मॉडिफाइड करती है कि एनवायरनमेंट में जितने भी चेंजेस हैं उसको ये अच्छे से सहन करती है, उसके प्रति अपने अंदर अनुकूलन पैदा करती है और उस वातावरण में अपनी जो पेरेंटल स्पीसीज है उनसे भी बेहतर अपने आप को साबित करती है। तो इस तरह से जो ये इकेड्स, इकोफिन्स, सॉरी इकेड्स है, जो इकोटाइप्स है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और इनके बारे में क्वेश्चन भी पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। और मैंने एक गूगल फॉर्म डाला था, जो पहला वाला था वो थोड़ा गलत था, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। और उसके बाद जो ये नेक्स्ट था वो बिल्कुल सही है, तो आप उसको अच्छे ज़्यादा से ज़्यादा लोग अटेम्प्ट करें, उसको मेरे को सबमिट करें। थैंक यू। अब हम पढ़ते हैं इकेट्स के बारे में। इकेट्स को इकोफिन्स भी कहा जाता है। तो ट्यूरेशन जो थे साइंटिस्ट, उनके अकॉर्डिंग जो एक ही सजीव है, विशेषकर पादप जाति के ऐसे समूह जो भिन्न भिन्न वातावरणीय अवस्था में उगने के कारण सूक्ष्म या गौण विविधताएं दिखाते हैं, वे इकेट्स कहलाते हैं। ये हो गई डेफिनेशन। अब इस डेफिनेशन का क्या मतलब हुआ कि जो इकेट्स है, अगर हम जैसे कोई एक पादप जाति है, ठीक है, एक पॉपुलेशन है उसकी, कोई पादप जाति है, हमने उसको अलग अलग वातावरणीय अवस्था में उगाया तो उसके अंदर कुछ विभिन्नताएं दिखेगी। अब वो विभिन्नताएं हमें सिर्फ और सिर्फ बाहरी लक्षणों के आधार पर दिखेगी, यानी कि जब हम उसको बाहरी रूप से देखेंगे, उसकी मॉर्फोलॉजिकल देखेंगे, फिनोटाइपिकली रूप देखेंगे, तो उसके अंदर वो चेंजेस होगा। लेकिन जब हम उसको जेनेटिकली रूप से इस देखेंगे तो वो चेंजेस नहीं होगा। इसका मतलब वो विभिन्नताएं अस्थिर है, मतलब स्थिर नहीं है, ठीक है। तो ये कहलाता है इकेट्स। अब इकेट्स यहाँ पे जो PS का मतलब है वो प्लांट स्पीसीज़ है। इकेट्स कैसे एक जीन इवोल्यूशन में या स्पीसीज इवोल्यूशन में या बायोलॉजिकल इवोल्यूशन यानी कि जो जैविक उद्विकास होता है उसमें इंपॉर्टेंट होता है। जैसे एक स्पीसीज़ है ए प्लांट स्पीसीज, उसको हमने अलग अलग भौगोलिक वातावरण में उगा दिया, थोड़ा परिवर्तनशील वातावरण हुआ, अलग अलग वातावरण में चेंजेस आए, तो हमें एक उस पादप जाति के इकेट्स मिले। अब इकेट्स जो है वो एक अस्थिर अवस्था है, हम सब जानते हैं। उसने थोड़ा और मॉडिफाइड किया तो उसके बाद में इकोटाइप्स मिले। जब इकोटाइप्स में आपस में इंटरब्रीडिंग होने लगी और उनका आइसोलेशन होने लगा अपनी मूल जातियों से, अपने पेरेंटल स्पीसीज से, तो हमको एक नई बी जाति प्राप्त हुई। यहाँ PS से मतलब पादप जाति है। तो इस तरह से ये बायोलॉजिकल इवोल्यूशन में या जैविक उद्विकास में अपना रोल निभाते हैं। इकोटाइप जो है वो पारिस्थितिकी इकाई होने के कारण विकास की प्रथम अवस्था होती है। तो इस तरह से ये ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज में भी अपना बहुत बड़ा रोल निभाते हैं, और इनकी सर्वाइवेबिलिटी जो होती है, इनकी उत्तरजीविता जो होती है, वो भी बहुत ज़्यादा होती है अपनी पेरेंटल स्पीसीज से। और इनका जो नेचुरल सिलेक्शन होता है, इनका जो चयन होता है, उससे इनमें इनकी जो जाति है, जैव विकास जो है इनमें बहुत अच्छे से होता है। इकेट्स जो है उसमें, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो बाकी मतलब इसमें मेन ध्यान दें, बाकी इसकी मैंने कल विशेषताएँ बताई थी प्रीवियस उसका अपने जो वीडियो था उसके अंदर। इकेट्स में विविधताएं जो है वो वातावरण से प्रभावित होती है, अतः ये विविधताएं यानी कि परसिस्टेंस जो है को प्राप्त नहीं कर पाती है, स्थिरता को प्राप्त नहीं कर पाती, ये प्राय अस्थायी होती है और कायिक एवं उत्क्रमणीय होती है। तो ये इसका एक इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है जो तुमको याद रखने लायक है। अब हम थोड़ा सा इकेट्स और इकोटाइप्स के अंदर चेंजेस देख लेते हैं, क्योंकि हम बार बार कह रहे हैं इकेट्स। अब इकेट्स को हिंदी में कहते हैं पारिस, इकोटाइप्स को कहते हैं पारिवरुण, पर तुम इसका इंग्लिश में ही नाम याद रखना, क्योंकि इवन जो कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम या जो तुम्हारा पेपर आएगा उसमें भी इसको हिंदी में इकोटाइप्स इस तरह से लिखा होगा। प्रारूप जो है वो सिर्फ किताबों में ही सीमित है, बाहर जो क्वेश्चन आते हैं वो इकोटाइप्स या इकेट्स नाम से ही आते हैं। तो तुम्हें इंग्लिश टर्म्स याद रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब इसमें हम थोड़ा सा अंतर देख लेते हैं, जो मेन मेन अंतर है वही मैंने लिखे हैं।
इकेट्स जो होता है वो पारिस में, ये मैंने पहले ही बता दिया कि इकेट्स में जो लक्षण होते हैं वो फिनोटिपिकली विविधताएं पाई जाती है। इकेट्स में सिर्फ लक्षण, फिनोटिपिकली विविधताएं यानी कि बाहरी रूप से ही दिखेंगी, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस होगा, ये आगे से आगे जाति में मतलब आगे से आगे स्थानांतरित नहीं होगी क्योंकि ये जेनेटिकली नहीं होती है। जबकि इकोटाइप्स में जो लक्षण होते हैं वो फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक वेरिएशंस पाई जाती है। ये इसका सबसे इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है। सेकंड जो डिफरेंस है वो जेनेटिक लेवल पर इनकी जो वेरिएशंस होते हैं, विभिन्नताएं अस्थिर होती है, यानी कि हमको विभिन्नताएं दिखती है और वो ज़रूरी नहीं कि आगे भी दिखे, वो अस्थिर हो जाती है यानी कि वो फिक्स नहीं होती है। जबकि इकोटाइप्स में वेरिएशन जो होती है वो फिक्स होती है, स्थिर होती है, वो आगे जाति से जाति आगे ट्रांसफ़र होती जाती है। फिर इकेट्स में बेहतर अनुकूलता के लिए सिर्फ लक्षण प्रारूप पर ही देखा जा सकता है, यानी कि लक्षण प्रारूपों पर ही इसको बेहतर एनवायरनमेंट में इसकी वेल एडेप्टेबिलिटी देखी जा सकती है। जबकि इकोटाइप्स में जीन स्तर पर वेल एडेप्टेबिलिटी को देखा जा सकता है। एक और इसमें जो पॉइंट वो ये है कि जब हम बायोलॉजिकल एवोल्यूशन की बात करते हैं, जब हम नई स्पीसीज, अपनी पिछले वाला जो अभी प्रीवियस स्लाइड गई उसमें मैंने बताया कि जो नई जाति का विकास हुआ तो उसमें इकेट्स जो है वो ऊपर आएंगे, उसके बाद में इकोटाइप्स आएंगे। तो जैविक उद्विकास में इकेट्स जो है वो नई जाति के उद्भव में पहले आ जाते हैं और इकोटाइप्स जो है वो बाद में आते हैं, क्योंकि इकोटाइप्स में जब इंटरब्रीडिंग होता है, आइसोलेशन होता है, उसके बाद ही नई जाति का विकास होता है। तो ये हो गए इकेट्स और इकोटाइप्स में चेंजेस। इसमें भी इकोटाइप्स जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसमें मैं बार बार इस पर जोर दे रही हूँ कि इसको याद करना, क्योंकि इससे क्वेश्चन पुटअप होते हैं हर कंपटीशन एग्जाम में। अब है इको स्पीसीज। अब इको स्पीसीज क्या होता है, ये किस तरह से इकोटाइप से अलग है? तो ग्रेगोर के अकॉर्डिंग इको स्पीसीज जो है वो पारिस्थितिकी वर्गीकरण की एक इकाई होती है। वन इको स्पीसीज हैव मैनी इकोटाइप्स। जो एक इको स्पीसीज होती है उसके अंदर कई सारे इकोटाइप्स होते हैं जो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं, लेकिन एक पारिस्थितिकी जाति यानी कि एक इको स्पीसीज का इकोटाइप दूसरी किसी इको स्पीसीज के इकोटाइप से हाइब्रिडाइजेशन करवाएं या उसका क्रॉस ब्रीडिंग क्रॉस उसका हम करवाएंगे तो उससे कोई भी संतति उत्पन्न नहीं होगी। कुल मिला के यहाँ पर यह मतलब हुआ कि प्रत्येक वातावरण की इको स्पीसीज भी फिक्स्ड होती है, तो एक इको स्पीसीज के अंदर कई सारे इकोटाइप्स होंगे और एक स्पीसीज का वो इकोटाइप और दूसरी इको स्पीसीज का दूसरा इकोटाइप्स आपस में इंटरब्रीडिंग नहीं कर सकते, और अगर उनका हाइब्रिडाइजेशन करवाएंगे तो उससे हमें कोई संतति प्राप्त नहीं होगी। तो ये हो गया इको स्पीसीज। हमने आगे जीन इकोलॉजी में चार टॉपिक लिए थे, इकेट्स, इकोटाइप्स, इको स्पीसीज एंड कौन इको स्पीसीज। तो ये तीन टॉपिक हमारे कवर हो गए। नेक्स्ट हमारा आता है को इनो स्पीसीज। को इन स्पीसीज का क्या मतलब होता है? संजाति। तो ग्रेगोर के अनुसार समान जाति के समान जाति जो है उसका, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ, समान जाति की जो समस्याएं हैं पॉपुलेशन है उनके अंदर जीन विनिमय के अयोग्य होती है, यानी कि उनके अंदर जीन का कोई विनिमय नहीं होता है। ये तो हम जानते हैं कि एक जाति है उसमें अगर कितना भी हम इंटरब्रीडिंग करवाएंगे तो उसमें जीन एक्सचेंज का जो है और नई जाति का उद्भव का जो संभावना है वो बहुत ही कम होती है। इनको हम मतलब सम्मिलित रूप से संजाति कहते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा जीन इकोलॉजी का टॉपिक जो है वो ख़त्म होता है, और ये चारों ही जो टर्म्स आई है, इकेट्स, इकोटाइप्स, इकोफिन्स एंड इकोस्पीसीज एंड को इन स्पीसीज, तो ये सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब हमने पढ़ा पॉपुलेशन इकोलॉजी अभी तक, तो पॉपुलेशन इकोलॉजी हमने क्यों पढ़ा, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, इसका क्या इम्पोर्टेंस है, इसकी क्या महत्वता है, तो ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये भी हमारा जो एग्ज़ाम होता है उसमें जो क्वेश्चन में आता है कि आप पॉपुलेशन इकोलॉजी यानी कि समष्टि पारिस्थितिकी अध्ययन की महत्वता तो बताइए, क्यों हम उसका अध्ययन करते हैं। जब हम किसी भी चीज़ की स्टडी करते हैं इसका मतलब उसका कोई ना कोई इंपॉर्टेंस है, तभी हम इसकी मतलब स्टडी कर रहे हैं। तो सिग्निफिकेंस ऑफ पॉपुलेशन इकोलॉजी के अंदर हम देखेंगे कि जो इवोल्यूशन है यानी कि जो जैव विकास है, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन है, उसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट रोल है पारिस्थितिकी जो स्थिर विविधता है, उसके बाद में किस तरह से जाति आगे से आगे अपने विकास की ओर बढ़ती है। तो इवोल्यूशन के मैक आर्थर और विल्सन ने इसमें बहुत अच्छा काम किया, उन्होंने बताया कि पॉपुलेशन इकोलॉजी का अध्ययन इवोल्यूशन में बहुत बड़ा रोल निभाता है, जैव विकास में बहुत बड़ा रोल निभाता है, इसलिए हम इसकी पॉपुलेशन इकोलॉजी की स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ चेंज लाइक इमिग्रेशन इमाइग्रेशन। इन दोनों में अंतर है कि एक तो होता है कि
प्रवासन और उत्प्रवासन यानी कि कोई भी जाति किसी नई जाति के अंदर आती है, सम्मिलित होती है, तो उसको हम इमिग्रेशन कहते हैं, और कोई वहाँ से चली जाती है तो उसको हम इमाइग्रेशन कहते हैं। तो ये और पॉपुलेशन ग्रोथ जो है इसकी स्टडी करना इससे बहुत इजी हो गया। जब हम पॉपुलेशन इकोलॉजी की स्टडी करते हैं तो उसके अंदर ये सारे टॉपिक्स आते हैं, तो हमें पॉपुलेशन ग्रोथ जो है उसका स्टडी करना बहुत ही कन्वीनियंट हो जाता है, बहुत ही इजी हो जाता है। नेक्स्ट है बैलेंस बिटवीन बर्थ रेट एंड डेथ रेट। और पॉपुलेशन इकोलॉजी की स्टडी से हमें ये भी पता चल जाता है कि जन्म दर और मृत्यु दर का बैलेंस किस तरह से बना हुआ है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि प्रकृति ने बहुत ही लिमिटेड चीज़ें हमको दे रखी है, तो प्रकृति के अंदर जन्म दर और मृत्यु दर का जो बैलेंस है संतुलन बना रहना चाहिए। अगर ये संतुलन बिगड़ जाएगा तो प्राकृतिक संसाधनों का दोहन बहुत ज़्यादा होने लगेगा या फिर नष्ट हो जाएगा। तो प्रकृति में ये बैलेंस जो है वो बना रहता है, और किस तरह से बना रहता है वो स्टडी हम पॉपुलेशन इकोलॉजी के द्वारा करते हैं। नेक्स्ट है जीवन सारणियों को जनसंख्या वृद्धि के लिए उपयुक्त माना जाता है, साथ ही लिंग अनुपात का पता लगाना। ये सब आप सब जानते हैं कि पॉपुलेशन इकोलॉजी के द्वारा ही हमें पता चलता है कि लिंग अनुपात किसका कितना है। यहाँ पे एक होमवर्क दे रही हूँ आपको, बताना कि राजस्थान के किस जिले का लिंग अनुपात सबसे ज़्यादा है और किस जिले का लिंग अनुपात सबसे कम है। अब यहाँ लिंग अनुपात क्या होता है आप सोच रहे होंगे, लिंग अनुपात का मतलब है किसी भी राज्य या किसी भी जगह की प्रति 1000 फीमेल और मेल का जो अनुपात होता है वो, कि कितने 1000 जो मेल्स हैं उस पर फीमेल्स कितनी हैं लड़का और लड़कियों का अनुपात, तो ये होता है लिंग अनुपात, अलग अलग लिंगों का अनुपात। तो ये आपके लिए एक होमवर्क है कि राजस्थान के किस राज्य किस जिले की सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात है और किस जिले का सबसे कम है, ठीक है। और नेक्स्ट जो टॉपिक आ रहा है पाँचवा, कि वातावरणीय परिवर्तनों के कारण जैविक विभव। जैविक विभव बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी परिभाषा पूछी जाती है, तो जैविक विभव को वापस आप पीछे वाले प्रीवियस वीडियो में जाना तो आपको इसकी डेफिनेशन मिल जाएगी। आयु संपालना, इकेट्स, इकोटाइप्स आदि का जो विवरण है वो स्थायित्व, आनुवंशिकता और इन सब की स्टडी करना पॉपुलेशन इकोलॉजी के द्वारा बहुत ही इजी हो जाता है। तो ये हो गया पॉपुलेशन इकोलॉजी का रोल या इम्पोर्टेंस। अब हम हमारा नेक्स्ट जो चैप्टर है वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, उसका नाम है कम्युनिटी इकोलॉजी। जैसे आप सब जानते हैं कि जब एक जाति के कई सदस्य इकट्ठे होते हैं तो उसको हम या पॉपुलेशन कहते हैं, और जब एक ही अलग अलग जाति के कई समूह इकट्ठे होते हैं तो उसको हम कम्युनिटी कहते हैं, समुदाय कहते हैं। और कम्युनिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उस कम्युनिटी इकोलॉजी भी एज इम्पॉर्टेंस एज पॉपुलेशन इकोलॉजी। तो हम आप ये नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आशा है कि ये वीडियो आपको समझ में आएगा, और मैं वैसे हमेशा वीडियो में कहती हूँ कि आप हम साथ के साथ पढ़ते जाएँ। एक वीडियो आया उसके साथ हम PDF भी शेयर करते हैं, तो आप उसके नोट्स पढ़ें, उसको समझें, ताकि आपको बाद में ज़्यादा बर्डन ना सहन करना पड़े और अच्छे से अच्छा याद हो सके। थैंक यू सो मच, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।